हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का मैं अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे वेव्स क्या होती हैं और उसमें भी स्पेशली मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे ऐसी अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच मिलती रहे, और वीडियो को लाइक भी कर दें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, समझते हैं वेव्स क्या होती हैं। तो वेव्स जो हैं फ्रेंड्स, बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं। वेव्स ये दो प्रकार की होती हैं। पहली थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और दूसरी मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स। तरंगे कितने प्रकार की हैं फ्रेंड्स? दो प्रकार की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैकेनिकल वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रेंड्स, ऐसी किरणें, ऐसी वेव्स हैं जिनके लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी तरंगें जिनके संचरण के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये निर्वात में भी चल सकती हैं। ऐसी तरंगें जो निर्वात में भी चल सकती हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। कुल मिलाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी तरंगें हैं, ऐसी वेव्स हैं जिनके संचरित होने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए आपका लाइट वेव्स हो गया, लाइट वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, एक्स रेज हो गया, गामा रेज हो गया, इटीसी। इन सब के लिए जैसे हमारा प्रकाश है, जो लाइट है, वो निर्वात में भी चल सकता है। तो ऐसी तरंगें जिनके संचित होने के लिए कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाती हैं। इधर बात करें यदि मैकेनिकल वेव्स, तो इनके संचरित होने के लिए कोई ना कोई मटेरियल मीडियम का होना आवश्यक है, मटेरियल मीडियम का होना आवश्यक है। ऐसी तरंगें जिनके संचरित होने के लिए कोई ना कोई द्रव्यात्मक माध्यम होना चाहिए, कोई मटेरियल मीडियम का होना आवश्यक है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वाटर वेव्स हो गई, वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, वाटर वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, स्प्रिंग वेव्स हो गई, आदि। तो ऐसी तरंगें जिनके संचरित होने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, मैकेनिकल वेव्स कहलाती हैं। मैकेनिकल वेव्स फ्रेंड्स बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी होती हैं? ट्रांसवर्स वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स, और दूसरी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। दो प्रकार की हैं वेव्स। मैकेनिकल वेव्स कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स क्या हैं? ऐसी तरंगें जिनके संचरित होने पर जो माध्यम के कण हैं, वो तरंग संचरण के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हों, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। ऐसी तरंगें जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत कंपन करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। देखो, डायरेक्शन, वेव की डायरेक्शन कौन है? ये है वेव की डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। इस डायरेक्शन में वेव है, और माध्यम के कण, जो माध्यम के कण हैं, वो इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसे डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन,
ठीक है, डायरेक्शन वेव की डायरेक्शन इस ओर है और माध्यम के कण इसके लंबवत डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब वाइब्रेट होते हैं तो इस प्रकार की वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। इसमें एक ओर के अधिकतम विस्थापन को इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, साम्य स्थिति से एक ओर के जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ट्रांसवर्स वेव समझ में आया कि जब माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत डायरेक्शन में कंपन करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। और एक बात याद रखेंगे, ट्रांसवर्स वेव्स उन्हीं माध्यम में उत्पन्न होती हैं जिनमें रिजिडिटी हो। क्या हो? रिजिडिटी। रिजिडिटी हो, रिजिडिटी बोले तो दृढ़ता, दृढ़ता हो। यानी ये ट्रांसवर्स वेव्स उन्हीं माध्यम में उत्पन्न होती हैं जिनमें दृढ़ता हो, सारे ठोस दृढ़ होते हैं, अर्थात अनुप्रस्थ तरंगें ट्रांसवर्स वेव्स ठोसों में उत्पन्न होती हैं। ठीक है, गैसें ठोस नहीं हैं, अर्थात गैसों में ट्रांसवर्स वेव्स उत्पन्न नहीं होती हैं। बात करें यदि लिक्विड की, तो लिक्विड के केवल ये सरफेस पर उत्पन्न होती हैं, लिक्विड के केवल सरफेस पे उत्पन्न होती हैं। भीतर, लिक्विड के भीतर ट्रांसवर्स वेव्स उत्पन्न नहीं होती हैं, केवल उसके सरफेस पे उत्पन्न होती हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स उत्पन्न होने के लिए उन्हीं माध्यम में उत्पन्न होती हैं जिनमें रिजिडिटी हो, यानी दृढ़ता हो। ट्रांसवर्स वेव्स में एक ओर के अधिकतम विस्थापन को ऊपर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, क्रिस्ट कहते हैं, और नीचे के अधिकतम विस्थापन को ट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, ऊपर के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, सुरंग, तथा नीचे के अधिकतम विस्थापन को गर्त कहते हैं, गर्त कहते हैं। ठीक है, क्रिस्ट और ट्रॉफ, एक ओर के अधिकतम विस्थापन को सुरंग तथा नीचे के अधिकतम विस्थापन को ट्रॉफ कहते हैं। तो दो क्रमागत सुरंगों या दो क्रमागत गृतों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, दो क्रमागत सुरंग ले लो या दो क्रमागत गृतों के बीच की दूरी जो है ये क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वेवलेंथ है। दो क्रमागत सुरंग क्रिस्ट या दो क्रमागत ट्रफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, वेवलेंथ, लेमिडा। वेवलेंथ कहते हैं, क्या कहते हैं, लेमिडा कहते हैं। दो क्रमागत श्रृंग या दो क्रमागत गृतों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। बात करें लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स की यदि, तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के अनुदिश कंपन करते हैं, उसी डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहलाती हैं। लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स के एग्जाम्पल के लिए मान लो फ्रेंड्स, हम किसी स्प्रिंग को बांधकर उसके कुछ फेरों को दबाकर यदि छोड़ दें तो स्प्रिंग के जो चक्कर हैं वो लंबाई के अनुदिश कंपन करते हैं। स्प्रिंग के जो फेरे हैं, जो चक्कर हैं, वो लंबाई के अनुदिश कंपन करते हैं। तो स्प्रिंग के जो फ्रेंड्स कुछ चक्कर हैं वो पास पास, कुछ चक्कर दूर दूर होते हैं, है ना, कुछ चक्कर पास पास, कुछ चक्कर दूर दूर होते हैं, इस प्रकार से। तो जहाँ पर चक्कर पास पास होते हैं वहाँ पर कंप्रेशन होता है, क्या होता है, वहाँ पर कंप्रेशन हो की स्थिति होती है। और जहाँ पर फेरे दूर दूर, चक्कर दूर दूर होते हैं वहाँ पर रेयरफैक्शन की स्थिति होती है। यहाँ पे क्या है, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन की स्थिति होती है। जहाँ पर चक्कर पास पास होते हैं वहाँ पे कंप्रेशन, और जहाँ पे चक्कर दूर दूर होते हैं वहाँ पे रेयरफैक्शन की स्थिति कही जाती है, रेयरफैक्शन होता है। तो दो क्रमागत कंप्रेशन, फिर यहाँ पे कंप्रेशन है, तो दो क्रमागत कंप्रेशन या दो क्रमागत रेयरफैक्शन के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वेवलेंथ कहलाती है, या यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं।
वेवलेंथ लेमडा कहते हैं। तो इस कंप्रेशन और रेरफेक्शन के कारण ही अनुप्रस्थ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स यानी अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन कंप्रेशन और रेरफेक्शन के कारण ही अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंगें वे तरंगें हैं जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के डायरेक्शन में कंपन करते हैं, और ट्रांसवर्स वेव्स ऐसी तरंगें जिनके संचरित होने पर माध्यम के कण तरंग संचरण के लंबवत डायरेक्शन में कंपन करते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स कहलाती हैं। तो आज के वीडियो में हमने जाना मैकेनिकल वेव्स क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं, और इधर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और यदि कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।